सेंटर ऑफ मास की बात करूँ यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसके सेंटर पे होगा अगर हम इस डिस्क को रोटेट करते हैं अबाउट दिस एक्सेस जो कि इसके रिम पे है सो तो आप देखो जितने पार्टिकल है ना सभी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे आप कोई भी पार्टिकल उठा के देख लो ये पार्टिकल है इस तरह से सर्कल में मूव करेगा राइट ये वाला पार्टिकल इस तरह से सर्कल में मूव करेगा और ये जो डिस्क है पूरी डिस्क मूव करेगी इस एक्सेस के अबाउट इन अ सर्कुलर पाथ राइट सो वी कैन से कि मस्ट नहीं होना चाहिए मीन्स मे पास मे पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास राइट मस्ट पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ़ द बॉडी फाइन सो अगर किसी पॉइंट uh, से पास नहीं करेगा बॉडी के क्या तब भी uh, सारे पार्टिकल एक सर्कल और पाथ में मूव कर सकते हैं इस तरह से हमारे पास एक बॉडी है और ये हमारी एक्सेस है सो so, आप कोई भी पॉइंट उठा के देखो ये जो पूरी बॉडी है इस तरह से रोटेट कर रही है राइट right? इस एक्सेस के अबाउट सो कोई भी पॉइंट अगर मैं देखूं तो वो भी इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इस एक्सेस के अबाउट राइट सो वी कैन से कि जरूरी नहीं है कि जो एक्सेस है वो किसी पॉइंट से पास होना चाहिए मीन्स जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सेस है ये इस बॉडी से ही पास होना चाहिए राइट सो वी कैन से मस्ट नहीं होना चाहिए इट मे पास थ्रू द पार्टिकल थ्रू अ पार्टिकल ऑफ द बॉडी राइट सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइस कीप वर्किंग हार्ड बेस्ट ऑफ लक बाय